दोस्तों, अगर हम एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं और एक्सेल में काफ़ी सारे सीट्स होती हैं, तो अगर एक सीट से दूसरी सीट पे जाना हो तो बार बार माउस से क्लिक करेंगे तो हम पहले सीट पे जाएंगे। जैसे मैंने माउस से सीट फर्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए सीट फर्स्ट ओपन हो गया, सीट टू पे क्लिक किया तो सीट टू हो गया, ऐसी काफ़ी सारी सीट्स होती हैं। और अगर हम किसी अदर सीट पे काम कर रहे हो तो अगर हमें किसी दूसरी सीट पे जाना होता है तो हम माउस के थ्रू जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमें शॉर्टकट की पता चल जाए कि कैसे सीट वन से सीट टू पे जाते हैं, तो बहुत ही ईजी तरीके से काम करते करते हम सीट टू पे जा सकते हैं और वहाँ से डेटा कॉपी करके या कोई अदर फॉर्मूला लगा करके हम शॉर्टकट की से ही सीट वन पे आ जाएंगे या किसी अदर सीट पे भी जा सकते हैं विदाउट माउस को टच के। तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम सेविंग होगी थोड़ी सी और हमारा जो वर्क होगा वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं अभी सीट फर्स्ट पे हूँ, सीट टू पे जाने के लिए मैंने माउस से क्लिक किया, सीट वन पे बैक जाने के लिए मैंने माउस से सीट फर्स्ट पे क्लिक किया। लेकिन अब शॉर्टकट की है इसका कंट्रोल के साथ पेज डाउन जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, देखिए सीट टू पे चला गया मैं, और जैसे ही मुझे बैक जाना हो तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करूँगा तो देखिए सीट फर्स्ट पे आ गया।